यदि आप एक्सरसाइज में विश्वास रखते हैं या आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं या आप करना चाहते हैं शुरू, या आप किसी भी स्पोर्ट्स में हैं, चाहे वो हॉकी है, क्रिकेट है, फुटबॉल है, साइकिलिंग है, जिमनास्टिक्स है, एथलेटिक्स है, या कोई भी डांस फॉर्म है जैसे कि जुम्बा, और आप चाहते हैं कि आपका फिजिकल एबिलिटी बढ़े, शारीरिक क्षमता बढ़े, आपके मसल्स, मांसपेशियां पहले से ज्यादा मजबूत हो, पहले से ज्यादा स्ट्रांग हो मसल्स, एक्सरसाइज या वर्कआउट या स्पोर्ट्स करने के बाद जो थकावट होती है वो थकावट ना हो, रिकवरी बहुत फास्ट हो, तो इस सब के लिए हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट रेंज। और मेरा मानना यह है कि ये जो रेंज हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, इसके जो कस्टमर्स हैं वो ऑलरेडी क्वालिफाइड कस्टमर्स हैं, यानी कि उनको ऑलरेडी मालूम है कि ये सप्लीमेंट्स क्यों लेने हैं, वो ऑलरेडी कॉन्शियस हैं इन ऐसे सप्लीमेंट्स के बारे में। एक नॉर्मल व्यक्ति जो एक्सरसाइज नहीं करता, जो स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व नहीं है, जो जिमिंग में इन्वॉल्व नहीं है, उसको आपको बहुत समझाना पड़ेगा कि यार हेल्दी क्यों रहना चाहिए, हेल्दी रहने के लिए क्यों ये सप्लीमेंट जरूरी होते हैं। लेकिन जो व्यक्ति जिमिंग में, एक्सरसाइज में, स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व है, उसको मालूम है। तो आपको बस करना क्या है, उसके पास पहुंचना है। तो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रेंज दैट वी आर लॉन्चिंग वेरी वेरी सून, बहुत ही जल्दी हम इसको लॉन्च करेंगे। लेकिन उससे पहले आज हम उसकी प्री लॉन्च ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो मैं आज चाहूंगा कि आप जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें मोदी केयर के वेल स्पोर्ट्स सप्लीमेंट रेंज के लिए। लेट्स वेलकम, लेट्स अ न्यू रेंज इन मोदी केयर, मोदी केयर वेल स्पोर्ट्स रेंज। कैन आई सी सम एक्साइटमेंट, सम येसेस, सम क्लैप्स इन द चैट बॉक्स? Very nice, super. So, are you excited for this new Modi Care Sports range? Yes, definitely, sir. Definitely, it's amazing. Fantastic. We are the best. So, Modi Care Sports range mein hum aapke liye lekar aaye hain 7 products, different flavors mein wo products available hain. Aur ye 7 products ko samajhna bahut aasan hai. बहुत ज्यादा साइंस में जाने की जरूरत नहीं है, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, वेरी इजी टू प्रमोट, क्योंकि जिस व्यक्ति को आप प्रमोट करने जाएंगे जो ऑलरेडी एक्सरसाइजिंग जिम में या स्पोर्ट्स में है, वो ऑलरेडी ऐसे प्रोडक्ट्स को या तो यूज कर रहे होंगे या ढूंढ रहे होंगे। करना ये है कि हमें उनके पास पहुंचना है। तो कोई भी स्पोर्ट्स में आप है, मैं ये नहीं कहना कि आप प्रोफेशनली स्पोर्ट्स खेलते हैं, आप अपने शौक के लिए एमेच्योर स्पोर्ट्स में है, जैसे कि हम कई बार देखते हैं कि गली मोहल्ले में भी बैडमिंटन के मैचेस चल रहे होते हैं, या फुटबॉल क्रिकेट के मैचेस चल रहे होते हैं, या आप रनिंग करते हैं, जॉगिंग करते हैं, स्विमिंग करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, या आप चाहते हैं कि आप जिम में जाके वेट उठाएं और अपने मसल्स को बिल्ड करें, स्ट्रेंथ या वेट ट्रेनिंग करें, या कोई डांस फॉर्म में है, तो ये हर उस व्यक्ति के लिए है जो फिजिकल एक्टिविटी करता है और फिट रहना चाहता है। तो जब हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं एक नॉर्मल व्यक्ति से ज्यादा, एक ऐसे व्यक्ति से जो बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं कर रहा, जब हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो उसके लिए हमें न्यूट्रिशन भी अलग चाहिए होती है, उसके लिए एक स्पेशल न्यूट्रिशन चाहिए होती है, क्योंकि जब हम फिजिकल एक्टिविटी करेंगे हमारे मसल्स न्यूट्रिशन क्रेव करते हैं, प्रोटीन क्रेव करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स क्रेव करते हैं, और यदि एक्सरसाइज करने के बाद वो सही न्यूट्रिशन मिल जाए तो फिर उसका जो फायदा है बहुत अच्छा होगा, मस्कुलर स्ट्रेंथ बढ़ती है और हमारी फिटनेस इंप्रूव होती है। तो स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन के बेसिकली 3 सिद्धांत हैं। पहला ये कि हमें अपने शरीर को फ्यूल देना है, यानी कि एनर्जी देनी है, ऊर्जा देनी है, जिससे कि हम जिस भी एक्टिविटी में हैं उसको ऊर्जावान रहते हुए अच्छे तरीके से एनर्जी के साथ वो एक्टिविटी कर सके। दूसरा सिद्धांत है, दूसरा प्रिंसिपल है कि हमारे शरीर में पानी की और सॉल्ट्स की कमी हो जाती है जब हम एक्सरसाइज करते हैं, तो वो हाइड्रेशन प्रोवाइड करना शरीर को, यानी कि जो भी पानी और जो भी नमक और जो भी दूसरे सॉल्ट मिनरल हमारे शरीर से निकले हैं वो वापस हम शरीर को प्रोवाइड करें। और तीसरा प्रिंसिपल है कि एक्सरसाइज करने के बाद जो मसल ब्रेक डाउन होता है, जो मसल में फटीग आता है, थकावट आती है,
उसकी रिकवरी हम कर सकें ताकि मसल्स स्ट्रॉन्ग बने, बिल्ड हो, हेल्दी रहे और हम फिटनेस को अचीव करें। Now, हमारी स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन इन तीनों प्रिंसिपल्स के ऊपर ध्यान में रखते हुए प्रोडक्ट हम इसमें लेकर आए हैं। तो आपका कोई भी फिटनेस गोल हो, आप मसल्स को बिल्ड करना चाहते हैं, जैसे कहते हैं ना बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, सिक्स पैक एब्स बनाना चाहते हैं, मसल्स को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, मांसपेशियों में ताकत लाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे पास प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। आप चाहते हैं कि आपके शरीर में से फैट कम हो, फैट की परसेंटेज कम हो, वसा कम हो जाए, इंच लॉस हो, तो अगर आप फैट कम करना चाहते हैं अपने शरीर में से, उसके लिए भी हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं। और अगर आप ओवरऑल फिट रहना चाहते हैं, एनर्जेटिक रहना चाहते हैं, उसके लिए भी हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं। और यदि आप स्पोर्ट्स में वाकई में इन्वॉल्व हैं, चाहे एमेच्योर स्पोर्ट्स में आप हैं, अपने सारे पड़ोसियों को हराना चाहते हैं फुटबॉल के, बैडमिंटन के मैच में, या आप प्रोफेशनली स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे भी जाना चाहते हैं, कंपीट करना चाहते हैं, तब भी ये प्रोडक्ट्स आपकी मदद करेंगे। याद रहे, जो भी मैं प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस करने वाला हूं उसमें कोई भी ऐसा इंग्रेडिएंट नहीं है जो वाडा की लिस्ट में आता है, यानी कि जो बैंड सब्सटेंसेस हैं उनकी लिस्ट में आता है। इंटरनेशनल लेवल पे भी कंपीट करने के लिए, ओलंपिक्स लेवल पे भी कंपीट करने के लिए आप इन प्रोडक्ट्स का बेनिफिट ले सकते हैं। सो प्रेजेंटिंग टू यू वेल स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन। सबसे पहला प्रोडक्ट जिसकी मैं अभी बात करूंगा, तो जब भी आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, मसल्स को बिल्ड करना चाहते हैं, आप चाहते हैं मसल का बल्क बिल्ड हो, मसल स्ट्रॉन्ग बने और रिकवरी फास्ट हो एक्सरसाइज करने के बाद, जिम में बेशक आप जा रहे हैं या आप साइकिलिंग कर रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं, डांसिंग कर रहे हैं, बैडमिंटन खेल रहे हैं, फुटबॉल, क्रिकेट, एनी फिजिकल स्पोर्ट, तो अपने मसल्स मास को इंक्रीज करने के लिए, रिकवरी को फास्ट करने के लिए हम आपके लिए लेकर आए एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट जिसका नाम है वेल स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस वे प्रोटीन फॉर मसल सपोर्ट एंड रिकवरी। और ये प्रोडक्ट वेल्स परफॉर्मेंस वे प्रोटीन दो फ्लेवर्स में, दो डिलीशियस चॉकलेट फ्लेवर्स में अवेलेबल है। पहला है चॉकलेट डिलाइट और दूसरा है मैंगो ट्विस्ट। तो जो भी आपको फ्लेवर अच्छा लगता है, वेदर चॉकलेट वेदर मैंगो, आप इसको चूज कर सकते हैं। वेल परफॉर्मेंस वे प्रोटीन की एक सर्विंग में आपको 24 ग्राम्स प्रोटीन मिल जाता है। नाउ दिस इज वेरी गुड क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन इन ओनली वन सर्विंग। एक सर्विंग होती है 32 ग्राम्स की, तो 32 ग्राम में आपको 24 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है। और हम जानते हैं कि अगर हमें अपने मसल्स को स्ट्रॉन्ग रखना है, रिकवरी को फास्ट करना है, तो हमें प्रोटीन रिच डाइट लेनी है। इसके अलावा इसमें कुछ खास किस्म के अमाइनो एसिड्स हैं जिसे हम कहते हैं BCAA, ब्रांच चेन अमाइनो एसिड्स। ब्रांच चेन अमाइनो एसिड्स भी हमारी मसल्स की ग्रोथ और रिकवरी के लिए बहुत अच्छे हैं। देन वी आल्सो हैव ग्लूटामिक एसिड जो अगेन हमारे मसल्स को बिल्ड करता है। कंप्लीटली वेजिटेरियन है, हमने इसमें विटामिंस और मिनरल्स भी ऐड किए हैं प्रोटीन के अलावा, जो आपकी इम्यूनिटी को बिल्ड करते हैं, आपको एडिशनल एनर्जी देते हैं और बहुत ही आसानी से ये मिक्स हो जाता है और इसकी डाइजेस्टिबिलिटी भी बहुत अच्छी है। कैसे इसको कंज्यूम करना है वेल वे प्रोटीन को, तो जब भी आप रनिंग करके आए, जॉगिंग करके आए, स्विमिंग करके आए, साइकिलिंग करके आए, एक्सरसाइज करके आए, जिम में कुछ सेट्स लगा के आए या कोई अपना मैच खेल के आए, जब भी आप फिजिकल एक्टिविटी करके आए हैं, उसके बाद पोस्ट एक्सरसाइज या पोस्ट वर्कआउट आप इसके फायदे लेने के लिए आइडियली इसको पोस्ट वर्कआउट लीजिए, तो 180 ml से 240 ml पानी या दूध में 32 ग्राम वेल स्पोर्ट्स वे प्रोटीन का पाउडर मिला दीजिए। एक स्कूप 32 ग्राम का है, उसको शेक कर लीजिए, बहुत अच्छे तरीके से घुल जाता है और आप इसका आनंद लीजिए और अपने मसल्स को बिल्ड करिए। और यदि आप दिन में दो सर्विंग लेना चाहते हैं, तो आप एक तो लीजिए एक्सरसाइज के बाद, वर्कआउट के बाद, और एक सर्विंग ड्यूरिंग द डे कभी भी ले सकते हैं। कौन कौन ले सकता है? हर वो अडल्ट जो चाहता है कि उसकी बॉडी मस्कुलर रहे, फैट परसेंटेज कम हो, मसल स्ट्रॉन्ग रहे और एथलेटिक परफॉर्मेंस इंक्रीज हो, एवरी अडल्ट कैन टेक दिस वेल परफॉर्मेंस वे प्रोटीन। सो कैसा लगा ये प्रोडक्ट, कौन कौन लेना चाहेंगे वेल परफॉर्मेंस वे प्रोटीन को, कितने लोग अपने आप को एक्सरसाइज
में इन्वॉल्व करना चाहेंगे और अपने आप को हेल्दी रखना चाहेंगे और मसल्स को बिल्ड करने के लिए परफॉर्मेंस वे प्रोटीन लेना चाहेंगे. वेरी नाइस. आई कैन सी यू नो ऑलरेडी आपके घरों में आपके यू नो आई कैन सी इन द माय मैसेजेस बच्चे स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हैं. तो 18 साल से ऊपर जितने भी ऐसे यू नो बच्चे हैं आप उन सबको ये दीजिए. आप खुद जरूर लें जब भी आप एक्सरसाइज करते हैं. सो अच्छा लगा ये प्रोडक्ट. मैं हल्का सा बता देता हूं वे प्रोटीन होता क्या है. वे प्रोटीन बेसिकली जब आप दही के ऊपर देखते हैं पानी होता है तो उस पानी में जो प्रोटीन होता है उसे वे प्रोटीन कहते हैं. और दो फ्लेवर्स में है चॉकलेट और मैंगो. तो आपको कंज्यूम करते हुए भी इसका बहुत अच्छा पसंद आएगा ये. नाउ लेट्स गो टू द सेकंड प्रोडक्ट. सेकंड प्रोडक्ट जो हमारे पास है अगर आप अगेन फॉर मसल बिल्डिंग रिकवरी रिपेयर एक और ऑप्शन चाहते हैं प्रोटीन की तो हमारे पास जो सेकंड ऑप्शन है उसका नाम है परफॉर्मेंस वे प्रोटीन आइसोलेट. तो पहला प्रोडक्ट था वे प्रोटीन. दूसरा प्रोडक्ट है वे प्रोटीन आइसोलेट. नाउ आपको प्रोडक्ट के नाम में ही इन दो प्रोडक्ट में फर्क मालूम चल गया होगा. पहला है वे प्रोटीन दूसरा है वे प्रोटीन आइसोलेट. क्या फर्क है इन दो प्रोडक्ट्स में. वेल आइसोलेट का मतलब होता है जो अलग कर दिया गया हो आइसोलेट कर दिया गया हो. सो वे में जो दही के ऊपर पानी होता है वे में प्रोटीन तो होता है बहुत अच्छी मात्रा में लेकिन उसमें प्रोटीन के साथ साथ कुछ मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स भी है कुछ मात्रा में फैट भी है और कुछ मात्रा में लैक्टोस भी होता है क्योंकि बेसिकली जो वे है वो मिल्क प्रोड्यूस है. लेकिन वे प्रोटीन आइसोलेट में हम क्या करते हैं कि हम प्रोटीन को अलग कर देते हैं प्रोटीन को आइसोलेट कर दिया और बाकी सारी चीजों को आइसोलेट कर दिया कार्बोहाइड्रेट फैट लैक्टोस को आइसोलेट कर दिया. सो विच मीन्स कि वे प्रोटीन आइसोलेट में और भी ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड अमाउंट में हमें प्रोटीन मिल जाता है. सो वे प्रोटीन में था 24 ग्राम लेकिन वे प्रोटीन आइसोलेट में है 25 ग्राम इन वन सर्विंग. और हर वो व्यक्ति जो चाहता है कि मैं कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स को नेग्लिजिबल अमाउंट में लूं तो वो वे प्रोटीन आइसोलेट ले सकता है. साथ में वो लोग जिनको दूध बहुत अच्छे तरीके से हजम नहीं होता बिकॉज वे प्रोटीन आइसोलेट में लैक्टोस को भी अलग कर दिया जाता है तो वो भी वे प्रोटीन आइसोलेट का बेनिफिट ले सकते हैं. मैं यहां पे सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि ये लैक्टोस इंटॉलरेंस उन लोगों के लिए ये अच्छा रहेगा उन लैक्टोस इंटॉलरेंट लोगों के लिए अच्छा रहेगा जिनको माइल्ड या मॉडरेट लेवल का लैक्टोस इंटॉलरेंस है. जिनको बहुत ही एक्सट्रीम लैक्टोस इंटॉलरेंस रहता है वो हमारा ऑल प्लांट प्रोटीन ले सकते हैं. ओके सो वी गॉट टू प्रोडक्ट्स वे प्रोटीन एंड देन वे प्रोटीन आइसोलेट फॉर रिपेयर रिकवरी एंड बिल्डिंग मसल्स. और ये वाला प्रोडक्ट दो फ्लेवर्स में अवेलेबल है चॉकलेट फ्यूजन एंड कुकीज एंड क्रीम. तो अगेन आपके पास ऑप्शंस हैं. चार फ्लेवर की ऑप्शन हो गई. वे प्रोटीन में दो फ्लेवर आ गए चॉकलेट मैंगो और आपके पास दो फ्लेवर आइसोलेट में आ गए वे प्रोटीन आइसोलेट में चॉकलेट फ्यूजन एंड कुकीज एंड क्रीम. लेने का तरीका बिल्कुल वही सेम है. आप पोस्ट वर्कआउट इसको लीजिए 180 से लेकर 240 ml पानी या दूध में आप इसका एक शेक तैयार करें और एक्सरसाइज करने के बाद इसको लीजिए. आप दिन में दो भी ले सकते हैं एक पोस्ट वर्कआउट और एक एनी टाइम ड्यूरिंग द डे. सो दीज आर फर्स्ट टू प्रोडक्ट्स वे प्रोटीन एंड वे प्रोटीन आइसोलेट. चलें आगे तीसरे प्रोडक्ट की बात करें. अगर आपका कोई सवाल है तो मैं एक मिनट का इंतजार करता हूं. आप लिख सकते हैं चैट बॉक्स में बिफोर वी मूव टू द थर्ड प्रोडक्ट. ओके आई थिंक आप सारे लोग ध्यान से सुन रहे हैं और ये प्रोडक्ट है भी इतने आसान समझने में. हम सबको प्रोटीन के बारे में मालूम है मसल बिल्डिंग रिपेयर रिकवरी इम्यूनिटी के लिए प्रोटीन चाहिए और जब हम वर्कआउट करके घर वापस आए तो ये आप लीजिए. एज लिमिट इसकी 18 साल से ऊपर है. अडल्ट को ये दीजिए. अडल्ट दोनों में से एक लेना है तो कौन सा लेना है ये आपकी चॉइस है. आपकी चॉइस है आप कौन सा लेना चाहते हैं. फ्लेवर के ऊपर ही आप चूज कर सकते हैं या आपको दूध थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता हजम नहीं होता तो आप फिर वे प्रोटीन आइसोलेट को पानी में मिक्स करके ले सकते हैं.
ऐसा कोई बहुत ही स्टिफ रूल नहीं है कि आप प्री वर्कआउट नहीं ले सकते, आप ले लीजिए प्री वर्कआउट, लेकिन जैसे मैंने बताया कि इसका मैक्सिमम बेनिफिट पोस्ट वर्कआउट रहेगा। और जब आप जिम में यू नो प्रोफेशनल ट्रेनर के अंडर हैं तो आप उनकी भी जो है रिकमेंडेशन जरूर ले सकते हैं। प्रकाश जी यस, दोनों का बेनिफिट सेम है, यू आर राइट, दोनों का बेनिफिट सेम है। ये जो इसका टारगेट ग्रुप है, जैसे कि हम बात कर रहे हैं, उन लोगों को दीजिए जो फिजिकली एक्टिव हैं, किसी भी स्पोर्ट्स में, किसी भी एक्सरसाइजिंग में, जिमिंग में, या एटलीस्ट घर के बाहर बैडमिंटन, खो खो, रनिंग, कुछ फिजिकली एक्टिव है, उनको ये जरूर दीजिए। ओके, वो सो मैं यहां पे क्वेश्चन देख रहा हूं, वो डायबिटिक्स, आई वुड सजेस्ट डायबिटिक्स को आप ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर दीजिए। When can we get this? Very, very soon. Okay, now let's come to the third product. कितने लोग चाहते हैं कि आपके biceps, triceps, six pack abs, muscles, shoulder के muscles strong बने, आप weight gain करें, healthy रहें? कितने लोगों ने अपने आसपास, अपने friend circle में, अपने relatives में, क्या कुछ आपने ऐसे लोग देखे हैं जो बहुत दुबले पतले होते हैं, BMI उनका 20 से भी कम है, एकदम दुबले पतले होते हैं, पर्सनैलिटी उनकी इतनी अच्छी नहीं होती, और वो चाहते हैं कि वो भी थोड़ा वेट गेन करें ताकि वो अच्छा दिखें? तो जस्ट विजुअलाइज दोज पीपल अराउंड यू हु वॉन्ट टू गेन वेट, वजन बढ़ाना चाहते हैं लेकिन हेल्दी तरीके से, सिर्फ स्टमक के आसपास वजन ना बढ़े, पेट ना बढ़े, लेकिन मस्कुलर मास बढ़े। तो अगर आप वजन बढ़ाना चाहते हैं, चाहे हम चाहे कोई अंडरवेट है और वो नॉर्मल वेट में आना चाहता है, या जो कोई ऑलरेडी नॉर्मल वेट है वो जिमिंग में जाके अपना मस्कुलर वेट बढ़ाना चाहता है, तो उसके लिए जो ये प्रोडक्ट है, उनके लिए प्रोडक्ट है, उसका नाम है वेल सुपर मास गेनर। जैसे कि नाम से जाहिर है, ये मसल बिल्डिंग और वेट गेन के लिए है। तो ये हर उस व्यक्ति के लिए है जो भी दुबला पतला है और वो वजन बढ़ाना चाहता है, और ये हर उस व्यक्ति के लिए भी है भी जो जो जिम में है, एक्सरसाइज कर रहा है, वेट उठा रहा है और अपने मसल्स को बिल्ड करना चाहता है। और ये भी अगेन दो फ्लेवर्स में अवेलेबल है, चॉकलेट सुप्रीम एंड बनाना ट्विस्ट। इसमें एक सर्विंग में आपको मिल जाता है 48 ग्राम प्रोटीन और 11 ग्राम ऑफ ब्रांच चेन अमाइनो एसिड। ब्रांच चेन अमाइनो एसिड बेसिकली हमारे स्केलेटल मसल्स में जाके मेटाबोलाइज होते हैं और हमारे स्केलेटल मसल्स की बल्क को बढ़ाते हैं। एब्सोल्युटली लेडीज कैन ऑल्सो यूज इट, ऑल दीज प्रोडक्ट्स, मेल्स एंड फीमेल्स, एवरीबडी कैन यूज इट। 48 ग्राम ऑफ प्रोटीन आपको इसमें मिल जाता है, अलॉन्ग विद ब्रांच चेन अमाइनो एसिड्स, BCAA, एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं, ग्लूटामिक एसिड्स हैं, एसेंशियल विटामिंस, मिनरल्स हैं। तो एक हाई प्रोटीन प्रोडक्ट है जो कि आपको मस्कुलर मास इंक्रीज करने में, वेट गेन में मदद करता है। कैसे लेना है ये? बहुत सिंपल है। एक सर्विंग जो है वो 2 स्कूप की है, 2 स्कूप में 300 ग्राम पाउडर आएगा। 700 ml पानी या दूध में आपको इसका एक शेक तैयार कर लेना है और पोस्ट वर्कआउट इसको कंज्यूम करिए। 18 years and above adults के लिए हमने बनाया है। जो बिगिनर लेवल पे मसल बिल्डिंग कर रहे हैं वो भी ले सकते हैं, जो इंटरमीडिएट लेवल पे, एडवांस लेवल पे हैं वो भी ले सकते हैं। सो ये तीन जो हमारे प्रोडक्ट हुए, वे प्रोटीन आइसोलेट एंड मास गेनर। मास गेनर इज एब्सोल्युटली सिंपल, जो भी मसल बिल्ड करने चाहते हैं, वेट गेन करना चाहते हैं, दुबले पतले हैं, एक्सरसाइज करेंगे वेट गेन होगा, साथ में मास गेनर लें। जिम में एक्सरसाइज कर रहे हैं, मसल्स बिल्ड करना चाहते हैं, मास गेनर। और देन वी हैव फर्स्ट टू प्रोडक्ट्स, वे प्रोटीन एंड वे प्रोटीन आइसोलेट। जो भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, फिट रहना चाहते हैं, मसल्स को स्ट्रॉन्ग रखना चाहते हैं, रिकवरी को फास्ट करना चाहते हैं, वो उन दोनों में से कोई एक चूज कर सकते हैं। गुड, चलें आगे।
इसको और टेस्टी बनाने के लिए आप इसमें थोड़े से आइस क्यूब्स भी ऐड कर लें, ठंडा और भी अच्छा लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब चौथे प्रोडक्ट की तरफ। नाउ दिस इज माय फेवरेट। अगर आप अपना एंड्योरेंस, एंड्योरेंस का मतलब है कि आप कितने लंबे समय तक और कितना ज्यादा, कितना बड़ा वेट उठा सकते हैं। जब जिम में लोग जाते हैं तो वो कितने सेट्स लगा रहे हैं इसके ऊपर ध्यान देते हैं। जब बैडमिंटन कोई खेलता है तो वो कितने घंटे तक बैडमिंटन खेल सकता है। जब क्रिकेट कोई खेलता है तो वो देखता है कि मैं कितने लगातार ओवर डाल सकता हूं या फील्डिंग कर सकता हूं, एंड्योरेंस स्टैमिना कितना है। जब कोई एथलेटिक्स में है तो वो कितने किलोमीटर भाग सकता है, उसका एंड्योरेंस कितना है। जब आप अपने मोहल्ले में खेल रहे हैं तो एक के बाद एक के बाद एक आपने कितने अपने पड़ोसी को हराया बैडमिंटन के मैच में, या कितने घंटे तक आप बिना थके खेल सकते हैं, दैट इज एंड्योरेंस, दैट इज स्टैमिना। और ये सब एक्सरसाइज वर्कआउट के बाद रिकवरी को फास्ट करने के लिए एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है। दिस इज BCAA एडवांस्ड ब्रांच्ड चेन अमाइनो एसिड्स। इसकी एक सर्विंग में 5 ग्राम ब्रांच चेन अमाइनो एसिड मिल जाता है, जो कि हमारा एंड्योरेंस और मसल रिकवरी में हमारी मदद करता है। ना मैं एक मिनट यहां पे लूंगा और आपको मैं ये थोड़ा सा जानकारी देना चाहूंगा कि ये BCAA ब्रांच चेन अमाइनो एसिड क्या काम करता है और ये क्यों एंड्योरेंस और मसल रिकवरी के लिए स्पेशलिस्ट अमाइनो एसिड है। देखिए, जितने भी अमाइनो एसिड्स होते हैं जिससे प्रोटीन बनते हैं, सारे के सारे अमाइनो एसिड्स लीवर में जाके मेटाबोलाइज होते हैं। कुछ अमाइनो एसिड्स से प्रोटीन बन जाते हैं, कुछ अमाइनो एसिड से LDL, VLDL बन जाता है, वगैरह वगैरह। और पर कहां पे जाके यूज होते हैं वो बॉडी में? हमारे लिवर में। लेकिन जो ये ब्रांच चेन अमाइनो एसिड है BCAA, ये यूटिलाइज होते हैं, ये मेटाबोलाइज होते हैं हमारे मसल्स में। क्योंकि ये हमारे मसल्स में जाके मेटाबोलाइज होते हैं तो ये हमारे मस्कुलर स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं, एंड्योरेंस को बढ़ाते हैं, मसल रिकवरी को क्विकन करते हैं, थकावट को दूर करते हैं एक्सरसाइज के बाद, क्रैम्स को कम करते हैं, स्टैमिना बढ़ाते हैं और लीन मसल ग्रोथ प्रोवाइड करते हैं। एंड दैट इज व्हाई दिस इज अ वेरी पॉपुलर इंग्रेडिएंट व्हेन इट कम्स टू मसल बिल्डिंग एंड एंड्योरेंस। तो आप इंट्रा वर्कआउट, जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो, एंड्योरेंस आपको चाहिए, यानी कि आप लंबी एक्सरसाइज करना चाहते हो, आप लंबा मैच खेलना चाहते हो, आप मैराथन पूरा भागना चाहते हो, आप पूरा 10 किलोमीटर साइकिलिंग करना चाहते हो, आप पूरे 5 किलोमीटर की रनिंग करना चाहते हो, वो एंड्योरेंस आपको चाहिए, तो इंट्रा वर्कआउट, इंट्रा एक्सरसाइज, ड्यूरिंग एक्सरसाइज आप इसको ले सकते हैं BCAA एडवांस्ड। 8 ग्राम एक स्कूप में आता है, 300 से 350 ml पानी में आप इसको मिक्स करिए, शेक बनाइए और इसको कंज्यूम कर लीजिए। जो सीरियस बॉडी बिल्डर्स हैं वो 1 से 2 स्कूप भी दिन में ले सकते हैं, वो 2 स्कूप तक भी दिन में ले सकते हैं। सो पहले 3 प्रोडक्ट जो हमने बात करी वो है पोस्ट वर्कआउट, और जो ये चौथा प्रोडक्ट है BCAA एडवांस्ड, एंड्योरेंस बढ़ाने के लिए मैं कितना लंबा टाइम हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज कर सकता हूं, वो है इंट्रा वर्कआउट, यानी कि ड्यूरिंग द एक्सरसाइज। आइए नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं। अगेन दिस इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्रोडक्ट। जो भी बॉडी बिल्डिंग में है, जिसको पावर चाहिए, स्ट्रेंथ चाहिए, अभी हमने डिफाइन किया था एंड्योरेंस क्या होती है, अब हम डिफाइन करेंगे पावर क्या होती है। तो इमेजिन करो, मैं बॉडी बिल्डिंग की शुरुआत कर रहा हूं और मैं अभी सिर्फ 10 kg का वेट उठा पाता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं अब 20 kg का वेट उठाऊं, तो मुझे क्या चाहिए? मुझे पावर चाहिए। फिर मैं वो धीरे धीरे एक्सरसाइज करने के बाद धीरे 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 पावर डेवलप होगी। लेकिन अगर मैं उसके प्रोसेस को फास्ट करना चाहता हूं, 10 kg से 20 kg, 20 kg से 40 kg के वेट्स पे जाना चाहता हूं, जब मैं क्रिकेट का शॉट मार रहा हूं तो मैं चाहता हूं कि मेरे मसल्स में पावर आए और शॉट बहुत तेजी से आगे बढ़े, जब मैं स्विमिंग कर रहा हूं तो मैं चाहता हूं कि जो मेरी लैप्स है वो मैं क्विकली कंप्लीट करूं, साइकिलिंग में पावर चाहता हूं, बॉक्सिंग में पावर चाहता हूं, स्ट्रेंथ चाहता हूं, जान चाहता हूं, तो इस पावर को बढ़ाने के लिए एक्सरसाइज के साथ हमारे पास हम लेके आए हैं वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सप्लीमेंट।
जिसका नाम है क्रिएटाइन माइक्रोनाइज्ड। क्रिएटाइन एक केमिकल होता है जो हमारे बॉडी में पाया जाता है, हमारे मसल्स को बिल्ड करने में, स्ट्रेंथ देने में, एंड्योरेंस, स्टैमिना और पावर देने के लिए ये जाना गया है। और जब भी आप किसी जिमिंग, बॉडी बिल्डिंग, किसी पावर स्ट्रेंथ वाली एक्टिविटी में होते हैं, जो भी उनके कोचेज हैं उनको 100% क्रिएटाइन के बारे में जरूर मालूम होगा। सो मसल परफॉर्मेंस इंक्रीज करने के लिए हैवी लिफ्टिंग, हाई इंटेंसिटी वेट्स, रेजिस्टेंट एक्सरसाइज जब आप कर रहे हैं, ड्यूरिंग द वर्कआउट जो डैमेज हुआ है उसको रिकवर करने के लिए, फटीग को दूर करने के लिए, एनर्जी बढ़ाने के लिए आप यूज करिए 100% क्रिएटाइन माइक्रोनाइज्ड। क्रिएटाइन क्या करता है, हमारे बॉडी में जो एनर्जी प्रोवाइडिंग सेल्स हैं उसको कहते हैं ATP, ये उसकी प्रोडक्शन को इंप्रूव कर देता है, एंड दैट्स व्हाई वी फील मोर एनर्जेटिक, मोर पावरफुल। एक सर्विंग है इसका 3 ग्राम का, जिससे कि हमें 3000 मिलीग्राम क्रिएटाइन मिलता है। और आप दिन में पोस्ट एक्सरसाइज आप इसको ले सकते हैं, 1 serving, which is 3 gram in 200 ml of water। और बहुत अच्छा रहे कि अगर आप इसको किसी कार्बोहाइड्रेट ड्रिंक में, जैसे ग्लूकोन ड्रिंक है, या आपने थोड़ा सा उसमें चीनी ऐड कर लिया पानी में, उसके साथ लें, ताकि इससे क्रिएटाइन की जो एब्जॉर्प्शन है वो इंक्रीज हो जाती है। सो हाई इंटेंसिटी वर्कआउट्स के लिए जो पावर चाहिए उसके लिए आप यूज करिए क्रिएटाइन माइक्रोनाइज्ड। गुड, कैसे लग रही है ये प्रोडक्ट्स, क्या आप देख रहे हैं आसपास, किस किस से जाके आप बात करेंगे, कौन कौन से जिम में आप जाएंगे? और जैसे कि हमने पहले भी बात करी कि ये वो प्रोडक्ट्स हैं जिसके कस्टमर्स ऑलरेडी क्वालिफाइड कस्टमर्स हैं। एक क्वेश्चन मुझे यहां पर आया है कि जो जिम नहीं करता वो यूज करना पॉसिबल है? देखिए, जो एक्सरसाइज नहीं कर रहा उसको आप ये वाला क्रिएटाइन रेकमेंड ना करें, जो एक्सरसाइज कर रहा है उसी को रेकमेंड करें। और तभी मैं कह रहा हूं कि आपका प्रोस्पेक्ट जो एक्सरसाइज कर रहा है वो ऑलरेडी क्वालिफाइड प्रोस्पेक्ट है, क्योंकि वो एक्सरसाइज किसी ना किसी फिटनेस गोल के लिए कर रहा है, या तो वो फिट रहना चाहता है, या वेट लॉस चाहता है, या फैट लॉस चाहता है, मसल्स को बिल्ड करना चाहता है, वेट गेन करना चाहता है, या वो सीरियस बॉडी बिल्डिंग में है। तो ये एक्सरसाइज के साथ साथ न्यूट्रिशनल सपोर्ट चाहिए, दैट इज व्हाई ही इज क्वालिफाइड प्रोस्पेक्ट, उसको आप दीजिए। नाउ दिस इज वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट प्रोडक्ट्स। कितने लोग चाहेंगे कि हमारे शरीर में जो फैट है, जो फैट परसेंटेज है, जो फैट जम जाता है, कभी कभी बाजुओं पे चिन दिखनी शुरू हो जाती है, हमारे स्टमक में, ओवरऑल हमारे बॉडी में जो फैट परसेंटेज है वो कम हो, वसा कम हो, कितने लोग चाहेंगे अपने शरीर से फैट कम करने के लिए? एब्सोल्युटली एवरीवन, पवित्र जी लिख रही है, एवरीवन वुड वांट टू रिड्यूस फैट 100%। और फैट कम करने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें एक्सरसाइज करनी होती है। Yes? अब फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक्सरसाइज करें, सिर्फ एक्सरसाइज करें, तो हमें कुछ फायदा होगा? बिल्कुल फायदा होगा, एक्सरसाइज से फैट कम करने में मदद मिलती है। लेकिन अब एक्सरसाइज करने के साथ साथ हम एक ऐसा प्रोडक्ट ले लें जो कि ड्यूरिंग द एक्सरसाइज जो हमें ऊर्जा चाहिए, हमें एनर्जी चाहिए, नॉर्मली वो एनर्जी हमें मिलती है कार्बोहाइड्रेट से, लेकिन वो प्रोडक्ट क्या करेगा, फैट्स को एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। तो ड्यूरिंग एक्सरसाइज हमें एनर्जी चाहिए होती है, ऊर्जा चाहिए होती है, और एक हमारे पास प्रोडक्ट है जो फैट्स को एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा, और हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो वो एनर्जी कंज्यूम हो जाएगी, खर्च हो जाएगी, तो हमारे शरीर से क्या कम होना शुरू हो जाएगा, फैट्स कम होने शुरू हो जाएंगे। तो हर वो व्यक्ति, हर वो अडल्ट जो चाहता है कि वो अपने शरीर से फैट परसेंटेज को कम करे, फैट लॉस करे, फैट को फास्टर बर्न करे, तो उसके लिए अवेलेबल है एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट। दिस इज मोदी केयर स्पोर्ट्स वेल स्पोर्ट्स एल कार्निटाइन। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, जैसे कि मैंने बताया क्या करता है, ये हमारे फैट्स को एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है।
अब फैट एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, लेकिन आप आराम से सोफे के ऊपर बैठे हुए हैं, तो क्या वो एनर्जी यूटिलाइज होगी? नहीं, वो दोबारा से जो है एल कार्निटाइन ने जो फैट को एनर्जी में कन्वर्ट किया, आपने एनर्जी को कंज्यूम नहीं किया, खर्च नहीं किया, बैठे रहे अपने बेड पे सोफे के ऊपर, तो वह एनर्जी दोबारा से फैट में कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन अगर आप एक्सरसाइज करने से पहले, साइकिलिंग, जॉगिंग, स्विमिंग, कोई भी स्पोर्ट्स खेलने से पहले एल कार्निटाइन ले लें, तो फैट्स एनर्जी में कन्वर्ट होंगे एंड ड्यूरिंग द एक्सरसाइज एनर्जी यूज हो जाएगी, तो फैट लॉस हो जाएगा, और जो फैट लॉस होगा तो हम सारे अच्छे दिखेंगे। सो 15 ml का एक सर्विंग साइज है, 100% वेजिटेरियन है। आप इसको 200 ml पानी में मिलाइए, 15 ml 200 ml पानी में मिलाइए, और एक्सरसाइज करने से पहले प्री वर्कआउट आप इसको लीजिए, दिन में एक बार लीजिए। और हर वो व्यक्ति ले सकता है जो चाहता है कि उसकी बॉडी लीन हो, फैट कम हो, और वो अच्छा दिखना चाहता है। सो दिस इज एल कार्निटाइन। सो कितने लोग लेना चाहेंगे मोदी के स्पोर्ट्स एल कार्निटाइन? कैन आई सी मैसेज? जो भी इंटरेस्टेड है, वेरी नाइस, सुपर। नाउ दिस इज माय फेवरेट प्रोडक्ट एल कार्निटाइन। के बारे में हमने बहुत पढ़ा है, काफी टाइम से हम इसके बारे में जानते हैं, एंड वी वर वेटिंग फॉर दिस प्रोडक्ट। एक्सरसाइज के फायदे बढ़ जाएंगे। एक्सरसाइज क्यों करते हैं लोग? पतला दिखने के लिए, फैट लॉस के लिए, हेल्दी रहने के लिए। तो उसके फायदे बढ़ जाएंगे विद एल कार्निटाइन। नाउ लेट्स गो टू द लास्ट प्रोडक्ट, जो सातवां प्रोडक्ट है हमारा। जब हम एक्सरसाइज करते हैं हमें एनर्जी चाहिए, इंस्टेंट बर्स्ट ऑफ एनर्जी अगर आपको चाहिए, ताकि आप जिम में जाके बढ़िया तरीके से एक्सरसाइज कर सके, आप किसी भी स्पोर्ट्स में हैं, आपको एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए, तो उस इंस्टेंट एक्स्ट्रा एनर्जी के लिए जो ड्यूरिंग द एक्सरसाइज हाइड्रेशन लॉस हुआ है, इलेक्ट्रोलाइट्स, सॉल्ट की कमी आई है, उसको दोबारा से प्रोवाइड करने के लिए, आपको रिचार्ज करने के लिए फॉर इंस्टेंट एनर्जी, हम लेकर आए हैं मोरी के वेल स्पोर्ट्स आइसोटोनिक फॉर इंस्टेंट एनर्जी। अगेन तीन फ्लेवर्स में अवेलेबल है, मैंगो ब्लास्ट, लीची डिलाइट एंड सिट्रस फ्रूट। इसमें कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो कि हमें इंस्टेंट एनर्जी देते हैं, लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा हमने इसमें डाला है एक बहुत ही स्पेशल अमीनो एसिड जिसे हम कहते हैं एल ग्लूटामाइन। ये हमें एनर्जी देता है। BCAA है, अगेन उससे एनर्जी मिलती है। और फिर कई सारे असेंशियल सॉल्ट मिनरल्स भी हैं, जैसे कि सोडियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस एंड क्लोराइड। तो हमें एनर्जी तो मिलती ही मिलती है, जिससे कि हम ज्यादा बढ़िया एक्सरसाइज कर सकें, ज्यादा बढ़िया तरीके से स्पोर्ट्स में कंपीट कर सकें। लेकिन इसके अलावा जो BCAA है, उसके बारे में हम ऑलरेडी जानते हैं कि हमारी मसल ग्रोथ को भी बढ़िया करने में मदद करता है और रिकवरी को भी फास्ट करता है। So, कैसे लेना है? आप दो तरह से इसको ले सकते हो। पूरी टीम खेल रही है, क्रिकेट का मैच चल रहा है, फुटबॉल का मैच चल रहा है, राइट? तो आप एक टीम पैक पूरी टीम को पिलाना चाहते हो ये, तो एक केजी पैक जो है उसको आप 14 से 15 लीटर ठंडे पानी में मिक्स कर लीजिए और पूरी टीम पी सकती है। और अगर आप इंडिविजुअली स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, अकेले खेल रहे हैं, आप अपने ओपोनेंट को एनर्जी चाहते हैं कि ना मिले आपको एनर्जी मिले, तो आप अपने लिए एक स्कूप 500 ml पानी में मिलाइए और खुद एनर्जेटिक हो जाइए। सो अगर पूरी टीम खेल रही है, एज अ टीम पैक 14 से 15 लीटर पानी में 1 kg मिला दीजिए, और अगर आप अकेले खेल रहे हैं तो 500 ml पानी में 1 स्कूप मिला लीजिए। तो इंस्टेंट सस्टेन्ड एनर्जी के लिए, हाइड्रेशन के लिए, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस के लिए आप इसको ले सकते हैं। इंट्रा और पोस्ट वर्कआउट आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, बीच में ले सकते हैं, बाद में भी ले सकते हैं। सो ये हैं हमारे सात प्रोडक्ट्स। ये पूरा आपको रेडी रेक्टर हम प्रोवाइड कर देंगे, जिसमें कि हर प्रोडक्ट की समरी भी है। आप देख रहे हैं यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम लिखा हुआ है, उसका क्या फायदा है, कैसे उसकी डोसेज कंज्यूम करनी है और कितनी सर्विंग्स लेनी है। सो दिस पीपीटी हैज दिस काइंड ऑफ अ रेडी रेक्टर ऑल्सो। So, कैसे लगे आपको ये प्रोडक्ट?
गायत्री जी, ये ORS की जगह यूज नहीं किया जा सकता, ORS की अलग कंपोजिशन है, इसकी अलग कंपोजिशन है। आइसोटोनिक और BCAA में क्या फर्क है? सो BCAA हमारे मस्कुलर एनर्जी प्रोवाइड करता है, हमारे मसल्स में एनर्जी देता है, जिससे कि मैं हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज कर सकूं। और आइसोटोनिक मेरे को ओवरऑल एनर्जी देगा, कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं, सॉल्ट भी हैं, ओके? जो हाइड्रेशन वाला हमने प्रिंसिपल की बात करी थी, BCAA से हाइड्रेशन हमें नहीं मिल रहा, लेकिन आइसोटोनिक से हमारा हाइड्रेशन वाला प्रिंसिपल पूरा हो रहा है। सो क्या लग रहा है इससे? मसल्स बिल्ड होंगे, और नेचुरली हर कोई चाहता है कि वो हेल्दी रहे, हर कोई चाहता है कि वो अच्छा दिखे, हर कोई चाहता है कि वो लीन दिखे, हर कोई चाहता है कि वो फिट दिखे। और जब हम हेल्थ की बात करते हैं, हम सिर्फ सप्लीमेंट्स की बात नहीं करते, हम शुरू से एक्सरसाइज, एटीट्यूड, रेस्ट की भी बात करते हैं अलोंग विद न्यूट्रिशन। तो मैं आपसे सबसे गुजारिश करूंगा कि हम अपनी टीम्स में स्पोर्ट्स का, एक्सरसाइजिंग का, जिमिंग का, फिट रहने का एक कल्चर बनाइए। लेट्स एवरीबॉडी बी इन द पिंक ऑफ आवर हेल्थ। और जब आप एक्सरसाइज करते हैं, साथ में प्रोडक्ट्स लेते हैं, तो आपके जो फायदे हैं एक्सरसाइज के, वो कई गुना हो जाएंगे। सो एमेच्योर भी ले सकते हैं, जो शौकिया रूप पे कोई भी स्पोर्ट्स में है, जो प्रोफेशनल है वो भी ले सकते हैं, जो एक्सरसाइज करते हैं, जॉगिंग करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, वो भी ले सकते हैं। एवरीबॉडी हु इज फिजिकली एक्टिव, ही कैन टेक। गुड, तो ये थे हमारे वेल स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन। ये बहुत ही जल्दी अवेलेबल हो जाएंगे। जब मैं कह रहा हूं बहुत ही जल्दी, तो इसका मतलब है बहुत ही जल्दी। आप बस तैयार रहिए, क्योंकि जैसे ही हमने बिलिंग शुरू करनी है, हमें मालूम है कि हमें वो बॉडी बिल्डर डीपीस पे भी खड़े करने पड़ेंगे, बिकॉज आप सबने डीपीस के ऊपर धावा बोल देना है। तो हमें स्ट्रॉन्ग बॉडी बिल्डर डीपीस पे भी खड़े करने पड़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगले 15 मिनट में हम बात करेंगे कि मोदी केयर के प्लान, जो कि एक वर्ल्ड क्लास हमारा प्लान है, समीर मोदी ग्लोबल प्लान, उस प्लान में कैसे अपने नेटवर्क को आगे बढ़ाना है, और कैसे एक न्यू जॉइनी को, एक प्रोस्पेक्ट को एक डायरेक्शन देनी है कि ये करिए इतना पैसा मिल जाएगा। कितने लोग मेरे साथ सहमति रखेंगे, कितने लोग मेरे साथ अग्री करेंगे कि एक न्यू ज्वाइनर या एक प्रोस्पेक्ट को थोड़ा बहुत समय लगता है प्लान की हर एक बारीकी को समझने के लिए? कितने लोग अग्री करेंगे मेरे साथ? एब्सोल्युटली। कितने लोगों को कार चलाने आती है, बाय द वे? कितने लोग को कार ड्राइव करने आती है? बहुत सारे लोगों को आती है कार ड्राइव करना। जितने लोगों को कार ड्राइव करने आती है, उनमें से कितने लोगों को मालूम है कि कार का इंजन कैसे काम करता है? मुझे नहीं मालूम। हम में से किसी को मालूम है कार का इंजन कैसे काम करता है? शायद ही किसी को मालूम हो। पर कार चलाने के लिए क्या कार के इंजन की पूरी फंक्शनैलिटी को समझना जरूरी है? बिल्कुल भी नहीं। आपको यह समझना है कि एक्सीलेटर, ब्रेक, क्लच कब दबाना है, कितना दबाना है। तो आज जो हम अगले 15 मिनट में बात करने वाले हैं, मैं आपको कार का इंजन कैसे चलता है वो नहीं बता रहा। मैं आपको सिर्फ अभी ये बता रहा हूं कि कार को अच्छे तरीके से चलाने के लिए, 120, 150 किलोमीटर पे चलाने के लिए, सही तरीके से ड्राइव करने के लिए, ताकि आप अपनी डेस्टिनेशन पे कम समय में पहुंचे, कार को चलाना कैसे है, कौन कौन से रूल्स को फॉलो करना है, ABC, एक्सीलेटर, ब्रेक, क्लच, हाउ टू वर्क द प्लान। जब आप अपने न्यू जॉइनी के साथ बैठे, कैसे आप 5 मिनट में, कितने मिनट में, इन 5 मिनट्स ओनली, कैसे एक न्यू जॉइनी को यह बता सकें कि 1,00,000 रुपए तक कैसे कमाना है? कितने लोग जानना चाहेंगे हाउ टू अर्न 1,00,000 रुपए फ्रॉम समीर मोदी ग्लोबल प्लान विदाउट अंडरस्टैंडिंग the functioning of the engine को भी हम समझेंगे अच्छे तरीके से, लेकिन वो न्यू जॉइनी जो हमारा प्रोस्पेक्ट है,
उसको उस समय नहीं समझाना, बाद में समझाएंगे। लेकिन जब मैं अपने प्रोस्पेक्ट के साथ अपने न्यू जॉइनिंग की बिजनेस प्लानिंग कर रहा हूं, उसको मैं एक दिशा डायरेक्शन देना चाहता हूं, तो मेरे पास 5-10 मिनट है, इससे ज्यादा नहीं है। तो लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू अर्न ₹1 लाख इन समीर मोदी ग्लोबल प्लान। बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है। डू दिस, ये करिए, गेट दैट, ये मिल जाएगा। ऐसा स्ट्रक्चर बना के इतना बिजनेस बनाइए, इतना बीवी करिए, इतना पैसा मिल जाएगा। तो फटाफट शुरू करते हैं समीर मोदी ग्लोबल प्लान में रोड मैप टू ₹1 लाख। 5 प्रिंसिपल्स हैं। पहला प्रिंसिपल है ओवर बिल्ड। जितनी रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा का टारगेट करें। अगर 1200 पीजीपीवी चाहिए डायरेक्टर बनने के लिए, तो मैं 1200 पीजीपीवी का टारगेट नहीं करूंगा, मैं उससे ज्यादा का टारगेट करूंगा। मैं 1600 या 2000 पीजीपीवी का टारगेट करूंगा। ओके, ये हम सबको मालूम है कि 33% चाहिए पासिंग मार्क्स, लेकिन हम 33% पे खुश नहीं होते जब हमारे बच्चे 33% लेकर आते हैं। हम चाहते हैं कि वो 90% लेकर आए, और 90% उसी के आते हैं जो 100% का टारगेट करता है। तो बेयर मिनिमल रिक्वायरमेंट के ऊपर फोकस नहीं करना, थोड़ा ज्यादा का प्लानिंग करनी है। लॉयल्टी के ऊपर जरूर फोकस करें। कितने लोग मुझे बताएंगे लॉयल्टी क्या है अभी? विल टेल मी इन द चैट बॉक्स। आई एम वेरी हैप्पी यू आर इंटरेक्टिंग अ लॉट। यू नो, मैंने इतनी इंटरेक्शन बहुत समय के बाद देखी है। कितने लोग मुझे बताएंगे चैट में लिखकर कि व्हाट इज लॉयल्टी राइट नाउ? क्या अभी लॉयल्टी पीवी करने में मिलती है या रुपी वैल्यू पे परचेज करने में मिलती है? लॉयल्टी मिल रही है रुपी वैल्यू के ऊपर, पीवी पे नहीं मिलती। पहला स्लैब लॉयल्टी का क्या है? व्हाट इज द फर्स्ट स्लैब ऑफ लॉयल्टी? 2000 रुपए करने पे कितने रुपए का वाउचर मिलेगा? 250 रुपए का वाउचर। 3000 रुपए की परचेज करने पे कितने रुपए का वाउचर मिलेगा? 450 रुपए का। 5000 की परचेज करने पे कितने का वाउचर मिलेगा? 800 रुपए का। और 7000 रुपए की परचेज करने पे कितने का वाउचर मिलेगा? 1200 रुपए का। सो मैंने लॉयल्टी की बिलिंग करी, मुझे वाउचर मिला। अब क्या ये वाउचर मुझे अगले महीने ही रिडीम करना है? मेरे पास कितना समय अवेलेबल है इस वाउचर को रिडीम करने के लिए? 3 महीने का समय, 3 months। मैंने इस महीने अपनी लॉयल्टी की बिलिंग कंप्लीट करी। फॉर एग्जाम्पल, मैंने 3000 रुपए की बिलिंग करी, मुझे 450 रुपए का वाउचर मिला। मैं चाहूं तो अगले महीने भी उसको रिडीम कर सकता हूं, या उसके अगले महीने, या उसके अगले महीने, 3 महीने तक रिडीम कर सकता हूं। और मुझे ये बताएं, क्या मुझे 450 ही रिडीम करने होंगे, या मैं इसको बढ़ा भी सकता हूं, जोड़ भी सकता हूं, एक्यूमुलेट भी कर सकता हूं? यस, आई कैन एक्यूमुलेट फॉर हाउ मेनी मंथ्स? अप टू 6 months। तो मैं 450 जमा 450 जमा 450 जमा 450 जमा 450 जमा 1200 जमा 1200 जो भी मेरा मैं स्लैब में आया हूं, मैं 6 महीने तक उसको जोड़ सकता हूं। और फिर सिर्फ 1000 रुपए खर्चने पे मैं उसको रिडीम कर सकता हूं। तो अब चॉइस आपकी है, आजादी आपके पास है। अब लॉयल्टी ब्रेक ही नहीं होती। यू गेटिंग माय पॉइंट? क्योंकि पहले, अब आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं। तो इस लॉयल्टी के ऊपर आपको फोकस करना है। 6 महीने तक आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं, 3 महीने तक आप रिडीम कर सकते हैं। लीडरशिप बोनस के ऊपर फोकस करना है। लीडरशिप बोनस को अर्न करने का क्या रूल है? कितने पीवी की लेग चाहिए? 3600। वाओ, एवरीबॉडी नोज 3600 जीपीवी की लेग चाहिए। जब आप अपना स्ट्रक्चर बनाए तो ये देखें कि आप विड्थ और डेप्थ दोनों के ऊपर इक्वल फोकस करें। एक लेग बहुत बड़ी हो जाए ऐसा हम नहीं चाहेंगे। हम चाहेंगे कि हमारी एक लेग भी बड़ी हो, दूसरी भी बड़ी हो, तीसरी भी बड़ी हो, और एक विड्थ और डेप्थ का एक बैलेंस रहे। और ये सारी चीजें आप अपनी टीम में डुप्लीकेट भी करें। तो ये 5 प्रिंसिपल हैं। आइए अब क्विकली बात करते हैं कि कैसे पैसा आएगा। तो सबसे पहले, जब मैं एक प्रोस्पेक्ट से बात कर रहा हूं, तो मैं उसको सबसे पहले क्या बताऊंगा कि सर 60 पीवी का आप ऑर्डर डालिए, तो आपको 220 रुपए का, तो सबसे पहले समीर मोदी सुपर बोनस बन जाता है।
आप 5% पे आ जाते हैं तो 81 rupees का परफॉर्मेंस बोनस बन जाएगा। 15-17% ऑन एन एवरेज, मैंने 20% भी यहां पे नहीं लिया, आपका 600 रुपए के करीब रिटेल प्रॉफिट बन जाएगा। 300 रुपए के करीब न्यू ज्वाइनिंग या रीपर्चेस प्रोग्राम और 450 रुपए का लॉयल्टी का वाउचर। तो 60 PV करने पे जो तकरीबन 3000 से लेकर 3600 के बीच में कहीं पे भी हो सकता है, 1651 रुपए का फायदा हो रहा है और इसके साथ साथ मंथली लकी ड्रॉ में भी हमें बेनिफिट मिलता है। गुड। अब सर क्या आप ऐसे 4 लोगों को स्पॉन्सर करा सकते हैं अपने साथ जो आप ही की तरह जुझारू हो, शिद्दत से काम करें और मोदी करके बिजनेस में आगे बढ़ना चाहते हो? जस्ट 4 पीपल। तो जब आप 4 लोगों के साथ ऐसा स्पॉन्सर करेंगे आप 8% पे पहुंच जाएंगे और आपका टोटल बेनिफिट हो जाएगा 3500 रुपीज, ऑलमोस्ट 3600 रुपीज। इज दिस सिंपल? जो आपने किया, 4 लोगों को स्पॉन्सर किया पूरे महीने में, करना क्या है? अगर आप वाकई में मोदी का बिजनेस करना चाहते हैं, न्यू ज्वाइनी से एक्शन डिमांड करिए, काम मांगिए, उनको बोलिए कि अगर आप काम करते हैं तो आपको बहुत अच्छा बेनिफिट होगा। राइजिंग स्टार, जो मैं यहां पे 4 लोगों की बात करूं, ये ऐसे लोग नहीं है जो सिर्फ सामान खरीदने के लिए आए हैं और काम नहीं कर रहे, ये ऐसे लोग हैं जो मोदी घर में करियर बनाना चाहते हैं, मीटिंग्स करते हैं, होम मीटिंग्स के लिए ओपन है, प्लान दिखाते हैं। दिन का एक प्लान दिखाइए, आधा घंटा, एक घंटा, दिन का एक प्लान, हफ्ते में 7 प्लान। और अगर 7 प्लान में से एक व्यक्ति भी ज्वाइन हो जाता है तो महीने में कितने लोग ज्वाइन हो गए? 4 लोग। सो बाय द एंड ऑफ द फर्स्ट मंथ हमारी टीम में आ गए 4 लोग। और जब हमारी टीम में 4 लोग आ जाते हैं, हमने 4 लोगों को स्पॉन्सर किया, हम आ जाते हैं 8% पे, हमारा तकरीबन 3600 रुपए तक का बेनिफिट हो जाता है, इंक्लूडिंग ऑल द बोनसेस एंड द प्रोडक्ट्स। और अगर आप ये इस महीने करते हैं, हमारा न्यू ज्वाइनी एक्टिवेशन बोनस चल रहा, प्रोग्राम चल रहा है, तो आपको अंडर द न्यू ज्वाइनी एक्टिवेशन प्रोग्राम अप टू 2000 रुपीज तक का ओवर एंड अबव बेनिफिट मिलता है। इजंट दिस ग्रेट? सो अब हमने 4 लोगों को अपने साथ टीम में हम लेकर आए। अब इन 4 लोगों को ABCD को हम क्या बोलेंगे, इनको क्या करना है? इनको भी वही करना है जो हमने किया, ये भी 4 लोगों को लेकर आए। तो हमारी टीम में 1200 PV का बिजनेस हो जाएगा और हम बन जाएंगे डायरेक्टर। जैसे हम डायरेक्टर बनेंगे, हमें परफॉर्मेंस बोनस तो मिल ही रहा था, 1150 के करीब परफॉर्मेंस बोनस मिलेगा, 1633 रुपए के करीब हमें डायरेक्टर बोनस मिलेगा, 980 रुपए के करीब हमें नेशनल ट्रेवल फंड मिलेगा और 735 रुपए के करीब हमें बाइक बोनस मिलेगा। और हमारी टोटल इनकम हो जाती है अबाउट 4500 रुपीज एज ए डायरेक्टर। नाउ ये जो मैं इनकम यहां पे दिखा रहा हूं, ये अप्रोक्सीमेट इनकम्स हैं। डिस्क्लेमर ये है कि ये पॉइंट वैल्यू के ऊपर बेस्ड है, तो थोड़ा ज्यादा या थोड़ा कम, ये 4500 रुपया राउंड फिगर है, अप्रोक्सीमेट इनकम है, ये 4600 भी हो सकती है, 4400 भी हो सकती है। ओके, सो दीज आर अप्रोक्सीमेट इनकम्स। बट जो ये 4500 रुपीज एक डायरेक्टर को मिल रहे हैं, इसकी कितनी बड़ी वैल्यू है वो मैं आपको बताना चाहूंगा यहां पे। जस्ट फोकस ऑन मेकिंग योर न्यू ज्वाइनी डायरेक्टर एंड मेक हिम अर्न 4500 रुपीज। कितने रुपए मिले? 4500। ओके, अगर 4x4 स्ट्रक्चर है, थोड़ा ज्यादा हो सकता है, थोड़ा कम हो सकता है, अप्रोक्सीमेट इनकम है, लेकिन ये 4500 की कितनी बड़ी वैल्यू है। अगर 4500 रुपए मुझे इंटरेस्ट की इनकम से कमाने हो, तो जिनका मैथ्स अच्छा है वो मुझे बता सकते हैं चैट में। अगर 4000 रुपए भी मान लेते हैं, थोड़ा इजी कैलकुलेशन हो जाएगा सबके लिए, अगर 4500 मुझे इंटरेस्ट की इनकम से कमाने हो, तो मुझे कितने लाख रुपए की FD करनी पड़ेगी बैंक में? जरा सोच के देखिए, अगर मैं मंथली 4000 से ज्यादा कमाना चाहता हूं इंटरेस्ट में रेजिडुअल इनकम, तो अगर 6% भी मान के चले, हालांकि 6% है नहीं इंटरेस्ट अभी, FD का 6% से कम है, लेकिन अगर मैं 6% भी मान लूं,
तो 8 लाख रुपए मेरी जब एफडी के होंगे तो मुझे साल के मिलेंगे 48,000 रुपए, यानी कि महीने के 4,000 रुपए। आप समझ रहे हैं इस बात को? जब मेरे 8 लाख रुपए बैंक में एफडी के हैं, साल की 6% इंटरेस्ट पे मुझे साल का मिला 48,000, यानी कि महीने का 4,000। तो ये जो डायरेक्टर ने 4,000 रुपया कमाया है, ये सिर्फ 4,000 रुपया नहीं है, ये 8 लाख रुपए के बराबर का एसेट उन्होंने क्रिएट कर लिया है, अगर इन्होंने ये सही तरीके से बिजनेस किया है। तो 4,000 रुपी इज इक्वलेंट टू 8 लाख रुपी इन द एफडी इन द बैंक। यू गेटिंग माय पॉइंट? जस्ट इमेजिन दैट। सो दिस इज नॉट स्मॉल इनकम। ये मुझे इंटरेस्ट इनकम तब आती जब मैंने अपने खून पसीने की कमाई का 8 लाख रुपया बैंक में डाला होता, तब मुझे ये आता। और वो 8 लाख रुपए कमाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है आप सब जानते हैं ट्रेडिशनल में। लेकिन जब हम डायरेक्टर बनते हैं 4,000-4,500 आ गए, ओके? और अगर मैं इसको कंटिन्यू करता हूं, क्योंकि अगर मैं अच्छे तरीके से मैंने ये बिजनेस बिल्ड किया, अगर ये 4 लोग मेरे, उनका कॉन्सेप्ट क्लियर है, उनका मैंने वाई क्लियर किया है, तो डायरेक्टर तो मेंटेन होगा। So this is equivalent to creating an FD of 8 lakh rupee plus in the bank. Good? अब मैं डायरेक्टर बना, मुझे क्या करना है? मेरी 4 legs हैं। अब उसमें से 1 leg डायरेक्टर बनेगी, मैं मदद करूंगा, मैं उनके लिए मीटिंग्स करूंगा, उनको सिखाऊंगा, सिखाने वाली ट्रेनिंग्स करूंगा। तो जब एक व्यक्ति डायरेक्टर बनता है, हम क्या बन जाएंगे? सीनियर डायरेक्टर। अब यहां पे मैं अपनी 5वीं leg भी खोलूंगा, क्योंकि मुझे लगातार अपनी लीडरशिप पाइपलाइन को चालू रखना है, स्पॉन्सरिंग लगातार चालू रखनी है। तो 1200 पीजीबीवी के साथ मैं सीनियर डायरेक्टर हूं और मेरी इनकम हो जाएगी 7,000 रुपए से ज्यादा। नाउ 4500 से स्ट्रेट अवे 75,100 तक हम पहुंचे हैं व्हेन वी मूव फ्रॉम अ डायरेक्टर टू अ सीनियर डायरेक्टर। अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं, 7150 माइनस 4500, 2650 रुपए का जंप आया है फ्रॉम अ डायरेक्टर टू अ सीनियर डायरेक्टर। नाउ दिस इज अमेजिंग। 2650 4500 का कितना परसेंटेज हुआ, अभी मैं आपको बताता हूं। ऑलमोस्ट 60%। यानी कि जब एक व्यक्ति डायरेक्टर से सीनियर डायरेक्टर बना तो उसकी इनकम में कितना जंप आया? 60% तक का। जब एक मैनेजर सीनियर मैनेजर बनता है, उसकी इनकम में 6% का या 10% का जंप नहीं आता, लेकिन जब एक डायरेक्टर सीनियर डायरेक्टर बना, उसकी इनकम में 60% तक का जंप आया है। और मुझे कहीं पे सुनने में आया था कि डायरेक्टर से सीनियर डायरेक्टर बनने का रीजन नहीं मिल रहा। क्या डायरेक्टर से सीनियर डायरेक्टर बनने का रीजन है 60% जंप? क्या कम जंप है? और जो वो 8 लाख रुपए का एसेट था, वो 15-16 लाख के करीब हो गया है। तो कितने लोग आपकी टीम में जो डायरेक्टर हैं, सीनियर डायरेक्टर बनने के लिए अग्रसर होंगे, शिद्दत से काम करेंगे और उनका अब यहां पर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा व्हाई टू बिकम अ सीनियर डायरेक्टर? यस, वेरी नाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब करना क्या है? अभी 1 leg डायरेक्टर हुई थी, दूसरी लेग डायरेक्टर हो जाएगी, हम बन जाएंगे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। अब मैं अपनी 6ठी leg ओपन करूंगा, क्योंकि इस लेग में आप जान, इस प्लान में आप जानते हैं कि 6 leg के ऊपर टाइटल है। तो 4 leg इज गुड टू स्टार्ट विथ, बट 6 इज वेरी गुड, एक्सीलेंट। और एज एन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अब हमारी इनकम हो जाती है 9800 प्लस अप्रॉक्सीमेट। तो 7100 से 9800 कितना जंप हुआ यहां पे? 2700 रुपए का और जंप हो गया।
सो हर लेवल के ऊपर जंप हो रहा है, तो कितना बढ़िया रीजन है व्हाई आई विल नॉट बिकम अ सीनियर डायरेक्टर एंड एन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। और जो अब मुझे कोई बता सके कि जो मेरा एसेट है, जो मैं एज एन एसडी, तो मेरा एसेट ये तकरीबन 22-23 लाख रुपए तक के करीब पहुंच चुका होगा। सो दिस इज जस्ट एन एनालॉजी, राइट, जो मैं आपको एसेट का एनालॉजी दे रहा हूँ, एग्जाम्पल जो बता रहा हूँ, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि 4500 रुपए या 7000 रुपए या 9800 रुपए कम नहीं होते। आगे बढ़ते हैं, अब 3 लाख हमारी डायरेक्टर बनेगी, हम बन जाएंगे सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। डायरेक्टर बोनस हमें मिल ही रहा था, वर्ल्ड ट्रेवल फंड मिलेगा, कार फंड हमारा शुरू हो जाएगा। अब हमें 7वीं लेग खोलने की जरूरत नहीं है, जितनी खोलनी थी खोल ली। अब आपका 10,500 चेक हो जाता है। अब जब आपकी 3 लेग डायरेक्टर बन चुकी है, एसीडी बन चुकी है, यहां पर अब हम अब डेप्थ में काम करना शुरू करेंगे, क्योंकि अब विथ में और ज्यादा लेग्स खोलने की जरूरत है ही नहीं, 6 लेग का प्लान है। अब आप डेप्थ में काम करिए, आप सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, फोकस करिए अब अपना लीडरशिप बोनस बनाने में। तो जब आपके नीचे एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आ जाएगा 1200 पीजीपीवी के साथ, तो उसका 3600 पूरा ग्रुप वॉल्यूम होगा, यानी कि इस लेग से हमें लीडरशिप बोनस मिलना शुरू हो जाएगा। तो एज अ सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर विद 1 लीडरशिप बोनस लेग, यू अर्न अबाउट 25,000 रुपीज। Isn't this amazing? Just one leadership leg. When you have 2 leadership bonus legs, as a senior executive director, you earn about 39,000 rupees. With 3 leadership bonus legs, आप देख रहे हैं कि हमने SED के नीचे ये executive director यहाँ पे दिखाया है। हो सकता है कि ये senior, हो सकता है कि ये senior director ही हो, लेकिन 3600 का volume हो। ओके, तो 3600 के वॉल्यूम जब आपकी लीडरशिप लेग है, 3 लीडरशिप लेग के साथ 51,000 रुपए आपको मिल जाते हैं। और अभी हमने बहुत ज्यादा डेप्थ में हम गए भी नहीं। 4 लीडरशिप लेग के साथ जब आप प्लैटिनम डायरेक्टर हैं, यू अर्न अबाउट 67,000 रुपीज। एंड विद 6 लीडरशिप लेग्स एज अ डायमंड डायरेक्टर, यू अर्न मोर देन 100,000 रुपीज, 1,00,000 रुपए से ज्यादा। So, कितने लोग लेना चाहेंगे ऐसे इनकम? सिंपल है ये स्ट्रक्चर। तो जैसे हमने शुरुआत में प्रिंसिपल्स की बात करी थी, ओवरबिल्ड के ऊपर फोकस रखें, शुरू में 4 लेग से शुरुआत करें, धीरे धीरे 5वीं और 6ठी लेग खोलें, और जब आप अपनी 3 लेग को बना लें, कार फंड को अचीव कर लें, फिर आप डेप्थ में काम करना शुरू करें। जब आपकी 3 लेग क्वालिफाई हो जाएं, 7वीं 8वीं खोलने की जरूरत नहीं है, उसको डेप्थ में करिए। पहली लीडरशिप लेग बनाइए, फिर दूसरी बनाइए, फिर तीसरी बनाइए, फिर चौथी बनाइए, फिर 5वीं 6ठी बनाइए। इससे सिंपल, इससे आसान प्लान टू अंडरस्टैंड मैंने नहीं देखा। दिस इज वेरी वेरी इजी टू वर्क, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, सिंपल टू अंडरस्टैंड। लेकिन ये प्लान तभी काम करेगा जब हम फील्ड में लगातार एक्शन करेंगे। और जैसे हमने बात करी थी, एक प्लान रोज का, वन प्लान अ डे, फोकस ऑन वन प्लान अ डे, एंड इफ यू कैन डू दिस, वर्ल्ड इज योर्स। 1,00,000 रुपए आप देख रहे हैं, सिर्फ अभी हम 3rd लेवल तक की बात करी है। जब ये और डेप्थ जाएगी तो और कितना पैसा इसमें बनेगा, अमेजिंग पैसा। एंड अलोंग विद प्रोडक्ट्स लाइक स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स आने वाले हैं। मैं अभी सारी एक्साइटमेंट एक ही मीटिंग में नहीं देना चाहता। अभी ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो इनफैक्ट एक जो पूरी कंपनी की रेंज है वो हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं। इतने सारे प्रोडक्ट्स हम आपको देंगे, पर अगर आप मेहनत करने को तैयार हो तो आपके लिए मोदी केयर में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। सो विद दिस आई थैंक यू वेरी मच। बहुत ही जल्दी हम आपको स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन डे का जो लॉन्च डे है वो अनाउंस करेंगे, और हमने बहुत सारी एक्टिविटीज प्लान करी हैं स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन को एस्टैब्लिश करने के लिए और आपकी टीम में हेल्थ और वेल्थ दोनों पहुंचाने के लिए। थैंक यू सो मच, ओवर टू सुरेखा मैम। थैंक यू सर, थैंक यू सो वेरी मच, अमेजिंग, दिस इज रियली फैंटास्टिक। दोनों ही चीजें आपने एक साथ बता दी सर, दोनों ही चीजें कि एक तरफ हम हेल्दी कैसे रह सकते हैं, दूसरी तरफ वेल्दी कैसे रह सकते हैं। और वैसे भी सर ये जो रेंज मोदी केयर लाया है
इस रेंज के चलते इट्स रियली सो अमेजिंग. एक पूरी स्काई कहते ना हमारे लिए ओपन हो गया, नया स्काई हमारे लिए ओपन हो गया, एक्टिविटीज का भी और अर्निंग का भी. बहुत कुछ है जो करने के लिए है, बहुत कुछ है जो सीखने के लिए है. सबसे बड़ी बात, हम एक नई दुनिया में एंटर करने जा रहे हैं, हम बहुत कुछ हमें सीखने को मिलेगा, बहुत सारा न्यू ब्लड जो है वो हमारे बिजनेस में आएगा, बहुत सारे नए लोग हमें ज्वाइन करेंगे, बहुत सारे नए कंज्यूमर हमारे बनेंगे, बहुत सारे लोगों को फॉलो अप करना होगा, साथ में हेल्थ की बात होगी. तो वो जो कहते हैं ना एक होलिस्टिक है ना वे ऑफ है ना लिविंग जो है वो हमारे नेटवर्क में ऐड होगी, एक अलग कल्चर आएगा, हम सब हेल्थ और वेल्थ के बारे में एक साथ बात करने लगेंगे. जब हेल्थ की बात आती है तो वैसे भी करने को बहुत कुछ होता है, हम बहुत सारे कैंप कर सकते हैं, हम बहुत सारे क्लब बना सकते हैं, थाउजेंड थिंग्स आर देयर. मैम कैसा रहे, हम सब ये जानते हैं कि हमारा शरीर में जितना फैट बैलेंस्ड यू नो रिक्वायर्ड क्वांटिटी में होगा उतना हमारा शरीर हेल्दी रहेगा, राइट? पर हमें पता नहीं चलता कि हमारे शरीर में फैट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज है कितना, वी डोंट नो, राइट? कैसा रहे अगर हम कुछ ऐसा लेकर आए जिससे ये पता चल जाए कि हमारे शरीर में फैट की परसेंटेज कितनी है. अमेजिंग सर, उसके बहाने तो हम बहुत लोगों को बहुत इन्वॉल्व कर पाएंगे, लोगों को बहुत. मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूं मैम. सो फैट परसेंटेज बिलो 20 इज गुड, इट्स हेल्दी. तो जब मैं यूके गया तकरीबन दो ढाई महीने, वहां पे वही रेस्टोरेंट्स का खाना ही खाया. तो रेस्टोरेंट्स में कैसा खाना बनता है वो आपको मालूम है. तो जब मैं वापिस आया तो मेरा जो फैट परसेंटेज था 20 से 28 हो गया था. फील तो हो रहा था लेकिन जब मैंने ये देखा एक मशीन में तो मैंने मेरी जो मतलब जो 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 मुझे लग रहा था कि यह सब मुझे एक्सरसाइजिंग करनी है, डाइटिंग करनी है, यू नो दोबारा से थोड़ा सा जो वेट गेन हो गया 2-3 किलो उसको कम करना है, जब मैंने ये देखा कि ये 28% हो गया, जब मशीन में मुझे दिखा, जब मैंने टेस्ट दिखा मेरा, तो उसी समय रात का डिनर मैंने अपनी वाइफ को बोला कि भैया अब ये रोटी के ऊपर घी मत लगाना जरा, और ये आज से अभी से डाइटिंग शुरू है और अभी से ही जो है मैं एक्सरसाइज पे जा रहा हूँ. सो कैसा रहे अगर सबको मालूम चल जाए कि उनकी डाइट उनके उनके बॉडी में कितना फैट परसेंटेज है. बहुत अच्छा रहे सर, सब अवेयर हो जाएंगे, सब कॉन्शियस हो जाएंगे. और अगर ये भी मालूम चल जाए कि मसल परसेंटेज कितना है. बहुत ही बढ़िया सर, बिल्कुल. तो अब मुझे मालूम है कि 28% से मुझे 20% पे लेके जाना है और मैंने अपने आप के लिए 60-day चैलेंज लिया है. 60-day चैलेंज, ओके, वेरी वेरी गुड. 60-day आई गेन्ड 8% इन 60 डेज, आई विल लूज 8% इन 60 डेज. सो दैट्स व्हाट माय चैलेंज इज. सो आई हैव ऑलरेडी स्टार्टेड कंज्यूमिंग दीस प्रोडक्ट्स विद एक्सरसाइज. Okay, और जैसे हम ये लॉन्च करेंगे मैम, देयर आर सो मेनी एक्टिविटीज दैट वी आर प्लानिंग एंड वन ऑफ द एक्टिविटी वुड बी दिस 60-day चैलेंज. फैंटास्टिक सर, आई एम इन, दिस इज फैंटास्टिक. या सो कई सारे हम कैंप्स करेंगे, यू नो कई सारे हमारे पास मशीन्स हैं जो हमें बताएंगी कि हमारी बॉडी में ये फैट परसेंटेज कितना है, स्केलेटल मसल कितना है. जो ये विसरल फैट होता है जो किडनी लीवर के आसपास होता है, दिस इज वेरी डेंजरस फैट. ये हमें पता चल जाएगा एंड अक्रॉस इंडिया, सिर्फ दिल्ली या मुंबई में नहीं, अक्रॉस इंडिया विल डू दीज एक्टिविटीज इन ऑल द एनएलसीज. फैंटास्टिक सर, न्यू ब्लड लाने के लिए भी ये मतलब हम वैसे ही सस्पेंस अप्रोच में ही इस बहाने से लोगों को बुला करके फिर उनका ये काम करके स्पॉन्सरिंग और ये सब कर सकते थे और करते थे. अब तो ये जेन्युइनली लोगों को बुला करके और इसी चीज को ठीक करने के लिए हमारे पास एक जो ये पूरी की पूरी रेंज आ गई है, तो बहुत आसान हो जाएगा सर. मैं तो बहुत खुश हूँ, फिर से चेक सबके जो है डबल होते देख रही हूँ. एंड दिस कैन बी वेरी बिग. और हर लीडर को यही समझ के चलना चाहिए कि ये प्रोडक्ट रेंज आई मेरे लिए है, मेरे मीन्स उनके लिए. मैं ये सोच रही हूँ मेरे लिए आई है, उनको ये सोचना है उनके लिए आई है. जो इस रेंज को लेके गर्म हो जाएगा ना, ये रेंज उन्हीं की जिंदगी बना जाएगी सर. और आपने पीपीटी में डेफिनेटली आपको कॉम्प्लीमेंट करना चाहूंगी सर, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन है, बहुत सिंपल प्रेजेंटेशन है और बहुत अच्छे से जो है बहुत ईजी है ये, मतलब ईजी टू डुप्लीकेट है. हम इस पे लोगों को ट्रेन करेंगे और डेफिनेटली बहुत बहुत बड़ी दुनिया है जो ये प्रोडक्ट ऑलरेडी काम में लेती है. जैसे ही हम कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, जैसे ही हम थोड़ी सी बात करने लायक हो जाएंगे, हमारे लिए डेफिनेटली एक सारी दुनिया खुल जाएगी. हम लोग इस पे बहुत सीरियसली काम करना चाहेंगे सर. एब्सोल्युटली अमेजिंग, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन. अब मैं समझ ही रही थी वो तो जब आप मतलब थोड़े समय से गायब थे कि आप वापस आओगे तो फिर से धुआंधार कुछ धमाकेदार करते हुए ही आओगे, और वैसे ही आपने किया है. थैंक यू सो वेरी मच सर. थैंक यू मैम, थैंक्स अ लॉट. थैंक्स अ लॉट सर, मिलते हैं.
अब मुझे पता है अगेन आप फील्ड वर्क पे हैं, हमने भी 5th की दिल्ली में आपकी इवेंट रखी है दिल्ली हार्ट में, और लुकिंग फॉरवर्ड जो ट्रेनिंग है ना, एक होता है ऑनलाइन ट्रेनिंग लेना, एक होता है प्रोडक्ट को देखना, और है ना ऑफलाइन की बात ही अलग होती है। तो हम इन इस प्रोडक्ट रेंज के और इस वर्क द प्लान के चारों ओर बहुत सारी ऑफलाइन इवेंट क्रिएट करेंगे सर, और जो आप हमें सिखा रहे हैं उसको हम डुप्लीकेट करेंगे। Perfect. Thank you, ma'am. Thanks a lot for your support. Thank you so very much. Jay ji, definitely कुछ कहना चाहते हैं. Over to you, Jay ji. Wow, thank you so much, Sarath sir. आज आपने जो भी हमें प्रोडक्ट ये स्पोर्ट कैटेगरी के बताए सर, इनकी नॉलेज दी है. डेफिनेटली ये हम मोदी केयरेंस ना इससे एक नया रिकॉर्ड बनाने वाले हैं. ये प्रोडक्ट हमारा इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर गेम चेंजर होने वाले हैं सर. और अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे कि डायमंड्स देखते थे कि पॉपकॉर्न डायरेक्टर्स देखते थे कि पॉपकॉर्न की तरह आ रहे हैं सर. इन प्रोडक्ट्स के आने के बाद ना मैं तो बहुत सारे डायमंड्स देख रहा हूँ अपने साथ अपनी टीम में. तो ये जो प्रोडक्ट्स हैं जो आपने अभी रोड मैप बताया सर के जिससे हम इजीली 1 लाख रुपए पे पहुंच सकते हैं, ये प्रोडक्ट सर हमारी बहुत हेल्प करने वाले हैं. और इंडिया जहां तक यूथ की बात है सर, आजकल हर कोई चाहता है फिट रहना. तो जितने भी इम्पोर्टेंट गोल है हमारी फिटनेस को लेके, मसल्स को बिल्ड करने के लिए, और या बहुत सारे लोगों के साथ में फैट को कम करने की प्रॉब्लम होती है, तो हम मोदी केयरेंस उनकी हेल्प करने वाले हैं. और हेल्थ के साथ साथ जो वेल्थ डेवलप होगी ना सर, उसके लिए तो मैं मोदी केयर को थैंक यू कहना चाहता हूँ. तो थैंक यू सो मच एवरीवन. और कल दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि आज हमारे लीग के सेशन पे बेहतरीन प्रोडक्ट की नॉलेज हमें मिली है जिससे हम अपने साथ साथ बहुत सारे लोगों के सपनों को पूरा कर सकते हैं दोस्तों. तो लीग पे आते रहिए, इसी तरीके से सीखते रहिए. कल एक और जबरदस्त सेशन है हमारा थर्सडे स्पेशल परिवर्तन में, जिसको एक और जबरदस्त लीडरशिप करने वाली है अमृता शर्मा जी, ब्लैक डायमंड डायरेक्टर है. तो आप लोगों के जितने भी न्यू गेस्ट हैं जिनके सपनों को आप अपने साथ पूरा करना चाहते हैं दोस्तों, तो उनको कल लेके ठीक 6:30 बजे लीव पे आ जाइए. सीखते रहिए, सिखाते रहिए, और अपने सपनों को इसी तरीके से पूरा करते रहिए. थैंक यू सो मच. फैंटास्टिक जय जी. थैंक यू शरद जी. थैंक यू सो मच. थैंक यू मैम. थैंक्स अ लॉट.